इधर शाहजहांपुर में अपर सत्र न्यायालय ने पति की हत्या का जिम्मेदार पत्नी और उसके बहनोई को ठहराया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा न्यायालय ने आरोपियों पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। हत्या की वारदात 9 नवंबर 2008 की है, जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र के गदियाना क्षेत्र में पुलिस को युवक का शव मिला था। पड़ोसियों ने आरोपियों को शव को फेंकते हुए देख लिया था, जिसके बाद दोनों फरार हो गए थे। यह 9/11/2008 घटना है। इसमें मृतक कालीचरण है, इसकी बहन सरस्वती देवी की तरफ से एफआईआर दर्ज होती है। मृतक कालीचरण पत्नी पर, अपने साड़ू पर, उन कालीचरण साड़ू पर और एक औरत और है चमेली देवी, वो दौरान जान निकाल दी गई थी। आईओ ने इसमें एफआईआर लगा दी। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में ये सभी तलब हुए।